दोस्तों, पाकिस्तान ने भ्रष्टाचार के मामलों में सारी हदें पार कर दी हैं। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI की रिपोर्ट सामने आई तो ये सारे वादे खोखले नजर आए। दरअसल इस इंडेक्स में 180 देशों में पाकिस्तान 16 स्थान नीचे गिरकर 140वें स्थान पर आ गया है। वहीं हम हमारे देश इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो इंडिया 85th पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इंडिया में भ्रष्टाचार कम हुए हैं और सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला देश अभी भी डेनमार्क है, जो कि नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे हुआ है। गाइस, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार का क्या कारण हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला दिया है। रूस ने तो सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए करीबन 90 टन विस्फोटक यूक्रेन भी भेज दिए हैं, जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दोनों देश के बीच स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं यूक्रेन के मसले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप का रूस के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। और तो और, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी और यूक्रेन में सिर्फ बंजर जमीन ही बचेगी। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश भारत किसका साथ देगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।